जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे आप लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है? तो एक और नया टॉपिक ले गया हूँ आपके लिए, जैव विकास। जैव विकास इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोलते हैं बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड मैंने चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि इन क्वेश्चन को ले लिया जाए। यूपीपीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बायोलॉजी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिएगा, बिहार के अंदर टेट एग्जाम होने वाला है, तो उसके अंदर सारा का सारा साइंस वाले बच्चों के लिए स्पेशली पूरी की पूरी साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वहाँ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उस जिसमें जीएस का पोर्शन पूछा जाएगा, वहाँ वहाँ ये बायोलॉजी का पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन, प्राचीन को बोलते हो आप आदिम, मतलब शुरुआत में पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। ध्यान देना, शुरुआत में हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन हमारे शुरुआती वायुमंडल में ही नहीं थी, मीथेन भी थी, अमोनिया भी थी और कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, लेकिन शुरुआती दौर में ऑक्सीजन गैस अनुपस्थित थी। यूपीआरओ एआरओ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराने जीव की बात चल रही है, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है इसकी बात चल रही है, तो यह है नील हरित शैवाल, जिसको आप बोलते हो ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखिएगा, ये सबसे पुराने, आपको बता दें इन्हीं की वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का एग्जिस्टेंस हुआ। अगर ये नहीं होते तो ऑक्सीजन नहीं हो पाती। अब पूछोगे कैसे, तो बता देता हूं। शुरुआत में जब ये थे तो पानी के ऊपर रहते थे, पानी के ऊपर रहने की वजह से ये पानी के अंदर से लगातार अपना वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स ले लिया करते थे, और सन की प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में ये फोटोसिंथेसिस करते थे। तो फोटोसिंथेसिस करने से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन गैस बननी शुरू हो गई, और यही ऑक्सीजन गैस हमारे पूरे एनवायरमेंट में फैल गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आज भी मौजूद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, जिसको आप बोलते हो म्यूटेशनल थ्योरी। म्यूटेशन, चेंजेस जो आते हैं इंसान के अंदर, इसको सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो यह है हुगो डी ब्रीज, इन्होंने ही म्यूटेशन की थ्योरी दी थी, चेंजेस जो आते हैं धीरे धीरे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले ही आपको बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर लास्ट क्वेश्चन आता है, डायनासोर थे, अब देखिएगा डायनासोर कौन से युग के थे? तो यह है मेसोजोइक सरीसृप। पहली बात तो ये रेप्टाइल थे और मेसोजोइक काल के थे। तो ये चार क्वेश्चन है, इनको अच्छे से लगा लो, प्रैक्टिस में ले लो, जितना हो सके यार वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है लिटरली, तो जितना हो सके वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।